नमस्कार, मैं हूं दिबांग और भगवंत मान जी हमारे साथ हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे वो री इन्वेंटिंग पंजाब बियॉन्ड गन्स एंड ड्रग्स। दो भारी भारी शब्द हैं जिनसे आपको लड़ना है, गन्स और ड्रग्स से। मैं शुरुआत इससे करना चाहता हूं कि अगर आप देखें तो जिस तरह से एक जलूस निकला अमृतपाल सिंह का, जो खालिस्तान समर्थक माने जाते हैं, खालिस्तान समर्थक हैं, और जिस तरह से वहाँ हल्ला गुल्ला हुआ, क्या आपको लगता है कि ये खालिस्तान वाले एक बार फिर जो सीमा का राज्य है पंजाब, वहाँ फिर से सक्रिय हो रहे हैं? देखिए दिबांग जी, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर भी हमारा ज़्यादातर 531 किलोमीटर पाकिस्तान से जो हमारा बॉर्डर आता है, तो कोई ना कोई एक्टिविटीज़ वहाँ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है वो करते रहते हैं। बाकी जो आपने बात की है कि क्या दोबारा कुछ ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो पंजाब के लोग हैं वहाँ बहुत फर्टाइल लैंड है, बहुत जरखेज ज़मीन है पंजाब की, आप कुछ भी बीजोगे वो उग जाएगा, लेकिन वहाँ नफ़रत के बीज नहीं उगेंगे। सोशल बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इससे पहले भी 10 साल गोलियां चली, बम चले, लेकिन आपस का भाईचारा बिल्कुल नहीं टूटा। तो पंजाब के 3 करोड़ लोग जो हैं वो अमन और शांति चाहते हैं, और उन वो पंजाबी जो हैं वो हार्ड वर्किंग पीपल हैं। वी आर ग्लोबल सिटीजन्स, मतलब पूरी दुनिया में आपको पंजाबी मिल जाएंगे और सक्सेसफुल पंजाबी मिल जाएंगे। तो पंजाब के लोगों से अगर पूछिए क्या चाहिए, पंजाब के लोगों को चाहिए रोज़गार चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जो इंडस्ट्री पिछली सरकारों की आप कहो गलतियों की वजह से या उनकी लालच की वजह से के पर्सनली उनके जो स्वार्थ थे उनकी वजह से नहीं आ पाई थी, जब वापस चली गई थी, वो वापस अब पंजाब में आ रही है। हमारा इन्वेस्टमेंट समिट आज ही ख़त्म हुआ है, तो उसमें ऐसी कंपनियां आ रही हैं जो कभी उस पर, ये उस पर कह रहे थे कि दिल्ली के बाद भी देश है। हमें अब पता चला है, हमने डोर टू डोर जाके इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गए, चेन्नई गए, हैदराबाद गए, मुंबई गए, बेंगलोर गए, और वो आए। पर ये जो तस्वीर आ रही है, जिस तरह से आ रही हैं पंजाब से, अमृतपाल सिंह जी ने जो किया, जिस तरह से अमृतपाल ने अपना जलूस निकाला, उसको आप कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं? देखिए, कौन हैं ये लोग? जो आपका चैनल, क्योंकि 24 घंटे है, बहुत से चैनल अब 24 घंटे हैं, जो आपके एक प्रोग्राम आता है, जब प्रोग्राम ना कहो उसको, एक सेगमेंट होता है कि 10 मिनट में 100 खबरें, उसमें से एक खबर आपको बहुत बड़ी लगती है। जो एक घंटे वाली खबर है उसको तो दिखाना मुमकिन नहीं होता आपके लिए, मैं जानता हूँ आपकी मजबूरियाँ। तो जो हम स्कूल ऑफ एमिनेंस खोल रहे हैं, हम आम आदमी क्लिनिक खोल चुके हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, हमने बिजली फ्री कर दी, 87% पंजाब के लोगों को बिजली मुफ्त मिल रही है, हम सड़कों के मामले में, NHAI के मामले में, हम हमारे 2 एयरपोर्ट इंटरनेशनल हो रहे हैं, वो भी खबरें हैं सर। आपको जो 2-3 सेकंड में दिखता है कि शायद सारा पंजाब ही ऐसे लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल कंट्रोल में है, और अब तो नामवर जो मैगजीन चलते हैं देश के, उन्होंने हमें 2nd नंबर दिया है लॉ एंड ऑर्डर में। उनकी रेटिंग है, हमारी नहीं, हम तो कहने को कुछ भी कह देंगे, लेकिन उनकी रेटिंग है जो उन्होंने पंजाब के लोगों से पूछ कर की है। और पंजाब के लोग जो हैं वो आज़ादी दिलवाने में भी और आज़ादी को कायम रखने में भी हमेशा पहले नंबर पर रहे हैं, और आज भी हैं। आज भी हमारा जितने भी बॉर्डर हैं वहाँ पर पंजाब के लोग सीना तान के खड़े हैं। तो जो पहली अगर दुश्मन की कोई गोली आएगी तो पंजाब का सीना उसके सामने होगा, और दूसरी तरफ देश का पेट भरने में और देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनाने में हमारा सबसे बड़ा फूड बॉल पंजाब है। राइस भी हम देश को देते हैं, वीट भी देते हैं। मैं फिर कहता हूँ, जो मर्जी बीज लो उग जाता है, नफरत के बीज के सिवा। मान साहब, मैं फिर उसी सवाल पे आ रहा हूँ, मैं आपको बार बार ला रहा हूँ पर आप उससे आगे चले जा रहे हो, उस पर भी बात होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए बॉर्डर राज्य है, और जो हम कश्मीर में भी देख रहे हैं, पहले सुरंगें खोदी जाती थी, उससे ड्रग्स आती थी, उससे
सोफिस्टिकेटेड हथियार आते थे, अब ड्रोन से वो काम हो रहा है। ये आप मना नहीं कर सकते कि सोफिस्टिकेटेड बंदूकें, वेपन्स और ड्रग्स, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारी पैमाने पर हो रहा है और वो यहाँ आ रही हैं तो उन्हें कोई रिसीव भी कर रहा है। नहीं, ड्रोन्स का जो आना जो है वो पहले से था, अब भी है, लेकिन हमारी पंजाब पुलिस इतनी सक्षम है और BSF के साथ हम तालमेल में चलते हैं। फर्स्ट जो फर्स्ट लेयर है BSF है, सेकंड थर्ड लेयर पंजाब पुलिस के पास है, तो हर रोज़ हम ड्रोन्स जो हैं वो पकड़ते भी हैं और गैंगस्टर्स जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं और ड्रग जो है वो पकड़ी जा रही है और कुछ गैंगस्टर जो हैं वो अगर पंजाब पुलिस उनको कोई वार्निंग देती है जो आगे से गोली चलाते हैं तो उन इनकाउंटर भी हुए हैं। तो लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ, आप कह रहे हो कि मैं उसी सवाल पे अड़ा रहूँगा, आप आगे बढ़ रहे हो, मेरे ख्याल में देश को भी आगे बढ़ना चाहिए और सवालों को भी आगे बढ़ना चाहिए। पंजाब तरक्की कर रहा है तो करने दीजिए। पर ये भी आप देख रहे हैं कि ड्रोन्स ही नहीं, जो हमने एक मैं आपका सवाल, MHA के साथ हमारी मीटिंग हुई माननीय गृह मंत्री जी के साथ, हमने उनको एक सुझाव दिया कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो हमें चाहिए। अब कई बार ऐसा भी हुआ है कि ड्रोन हमारी तरफ से उड़ा, उधर जाके वहाँ से ड्रग या हथियार भी साथ में भेजने लगे हैं, वो लेके आ गया, हमने उसको पकड़ लिया, ड्रोन इंडिया का था। तो अगर मोटरसाइकिल, कार और पूरे व्हीकल रजिस्टर्ड हैं, अब पॉलिटिकल रैली में भी ड्रोन चल से कवरेज होती है, आपके जो बड़े बड़े शो होते हैं जो आउटडोर करते हैं वो भी आप ड्रोन से करते हो, और शादियों में भी ड्रोन यूज होता है, तो कम से कम ड्रोन की रजिस्ट्रेशन तो होने लगे ना, पता हो ना ये कौन सा ड्रोन है जो गिरा था, इसका मालिक कौन है, उसके पता करें भाई आपने किसको दिया था ये। तो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए हम पुलिस को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, पंजाब पुलिस को, और BSF के साथ हम मिलके चल रहे हैं। हमारा कोई उनके साथ कोई ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल हम कोई क्रेडिट वॉर में हम चले जाएंगे, लेकिन इतना मुझे पता है कि ड्रग्स का जो अगर सवाल आप मुझे पता है करोगे, उसका भी हमने ये प्लान बनाया हुआ है, मैं आपको बार बार उसका उत्तर देता रहूँगा, आप पूछिए जो मर्जी पूछिए। पर ये आप देख रहे हैं कि गैंग्स बन गए हैं जिनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं और उसमें फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, यानी फेसबुक वगैरह में गैंग्स की तस्वीरें छपती हैं, वहीं से युवाओं का रिक्रूटमेंट भी होता है और एक तरीके से बड़ी ग्लैमरस लाइफस्टाइल से दिखाई जाती है इन गैंग लीडर्स की, या ये बात आपके संज्ञान में है, इस पर आप कुछ कदम उठा रहे हैं? देखिए, हमें तो 11.5 महीने हुए हैं अभी, क्या ये गैंगस्टर अभी पैदा हुए हैं? ये दोनों पार्टियां जो पहले थी, BJP भी साथ में थी अकाली दल के और कांग्रेस, इन्होंने पॉलिटिकल संरक्षण दिया उनको, इनके अपने यूथ केडर में उन्होंने इनको रखा हुआ था, इनको पालते रहे, काम लेते रहे, धमकियां देना या इलेक्शन के समय डराना धमकाना। अब उसके पास दोनों पार्ट, एक पार्टी आ जाती थी वापस तो वो दूसरे वाले कहते थे ये हमारे हैं यार, इनको कुछ मत कहना, वो और दूसरी आ जाती वो कहते ये हमारे हैं। अब इनको ये पता नहीं था ना कि तीसरा भी आ जाएगा कोई। हमारा जीरो टॉलरेंस है ड्रग के प्रति, करप्शन के प्रति, और जो भी चाहे हमारा ही हो, हम पंजाब को दोबारा पंजाब बनाना चाहते हैं, हमें लंदन, कैलिफोर्निया, पेरिस नहीं बनाना, हमारा वापस पंजाब आ जाए तो हम उससे संतुष्ट होंगे। ये आपको, आपने सुना कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो यात्रा निकालने वाले हैं ड्रग्स के खिलाफ पंजाब में, पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ होम मिनिस्टर यात्रा निकालने वाले हैं। जब शुरू हुई थी ये ड्रग की प्रॉब्लम तो BJP और अकाली दल की सरकार थी सर, तब क्यों नहीं यात्रा निकाली? जब बड़े बड़े पॉलिटिकल लोगों के नाम आए, बड़े बड़े जो तस्कर थे उन्होंने नाम लिया कि मैं तो इसके लिए काम करता हूं, तब क्यों नहीं यात्रा निकाली गई? ये पॉलिटिकल यात्रा है सर, लेकिन मुझे इतना पता है पंजाब में, फिर मैं कहता हूं शांति के लिए कोई यात्रा निकाल ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होम मिनिस्टर ड्रग्स के खिलाफ यात्रा निकाल रहे, भाई होम मिनिस्टर का काम है ऑर्डर देना कि बॉर्डर से ना आए,
पंजाब पुलिस को और सक्षम करना, हमारे लिए कंपनियां भेजो वहां पे, हम बॉर्डर से ड्रग्स बंद करें। तो अगर होम मिनिस्टर भी यात्रा ही करेगा तो फिर तस्करों के तो हौसले बढ़ेंगे कि यात्रा से थोड़ी रुक जाएगा ये काम। हमें जमीन पर इसको इम्प्लीमेंट करना है, हमें अखबारों में हेडलाइन लेके ये ख़त्म नहीं होने वाला सर। कैंसर पर आयोडेक्स लगाने से ख़त्म नहीं होता, कीमोथेरेपी करनी पड़ती है, वो कर रहे हैं हम। अगर मैं ड्रग्स पर ही रहूं, ड्रग्स के सवाल पर ही रहूं, तो मैं जानना चाहता हूं कि एक साल आपको हो चुके हैं, आपने क्या योजनाएं बनाई ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए? आपने क्या योजना बनाई उन युवाओं के लिए जो ड्रग्स का सेवन करते हैं, कैसे निपटेंगे इसका? आप देखो कोई देवांग जी, इसका हमने तीन लेयर में हमने इसको इसका सामना करना। अभी हमने दो पे काम कर लिया है। देखो, जो ड्रग्स गांव में बेचने आते हैं, पूरा गांव उनको जानता है कि वो आदमी आता है, वो पीपल के नीचे जाते हैं लड़के, वहां ड्रग लेते हैं। हमने कहा पहले वो नीचे से शुरू करते हैं, उसको पकड़ो। उसको पकड़ेंगे वो कहेगा जी मैं तो 5 गांव का इंचार्ज हूं बस, जिला का पूरा जिला तो फलां फलां देखता है, उसको पकड़ो। फिर वो कहेगा जी मैं तो 2 जिले का हूं बस, 10 जिले तो फलां फलां देखता है, उसके तक जाओ, जहां तक ऊपर तक जा सकते हो जाओ। अगर एकदम से सप्लाई चेन तोड़ दी जाएगी तो हमारे जो युवा हैं जो गलती से बुरी संगत का शिकार हो गए, वो उनको वो तड़पेंगे, उनको मेडिकली एड की ज़रूरत होगी क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। उसके लिए हमने रिहैब सेंटर बना लिए, और आगे युवा ड्रग में ना जाएं इसके लिए हमने एक आइडिया निकाला है देवांग जी। हमारे देश को 800 के आसपास आईपीएस और आईएएस चाहिए होते हैं, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम पास करते हैं, लेकिन मेंस में एग्ज़ाम में बैठते हैं 5 लाख। तैयारी वो भी वही करते हैं, चाहे वो बिहार के किसी स्टेशन की लाइट में पढ़ रहे हो, चाहे स्ट्रीट लाइट में पढ़ रहे हो, तैयारी वो भी उतनी करते हैं, उनका रैंक नहीं आता, उनको अगला अटैम्प्ट मिल जाता है। 800 चाहिए, 5 लाख तैयारी कर रहा है। हमने क्या है, पंजाब पुलिस में 2100 से 2200 मुलाजम हमें चाहिए हर साल। 1600-1700 रिटायर होते हैं, कुछ की प्रमोशन हो जाती है। हमने पहले ही अनाउंस कर दिया कि जनवरी में हमारा नोटिफिकेशन हो जाएगा, मई जून में हम उसका लिखती टेस्ट लेंगे, अगस्त में रिजल्ट आएगा, और अक्टूबर में फिजिकल टेस्ट होगा, नवंबर में उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। हम हर साल 2100-1600 कांस्टेबल और 500 सब इंस्पेक्टर लेवल के, हेड कांस्टेबल लेवल के जवान भर्ती करेंगे। इससे क्या होगा, इससे उनको पहले ही पता चल जाएगा कि मैंने, मेरा गोल ये है, मैंने पुलिस में भर्ती होना है। वो ग्राउंड में जाएगा, उसका साथी भी जाएगा, वो ड्रग से दूर रहेगा, क्योंकि हमने एक क्लॉज डाला है उसमें कि आपका डोप टेस्ट होगा जब आप फिजिकल टेस्ट दोगे, तो वो ड्रग से दूर रहेगा। अगर 800 पोस्टों के लिए 5 लाख एग्जाम दे रहे हैं लोग, तो 2100 पोस्टों के लिए पंजाब का कम से कम 10 लाख नौजवान वो स्टेडियम में आएगा, अपनी तैयारी करेगा, शरीर बनाएगा, उनकी बारी आएगी भर्ती होने का, उनको शौक होगा कि हम भर्ती होंगे, और बिना किसी रिश्वत या बिना किसी लॉबिंग के या सिफारिश के हम भर्ती करेंगे। तो रोजगार जो है ना, वो सबसे बड़ा हल है ड्रग्स का। बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं मेरे सामने पंजाब में, मैं गांव से आता हूं, आपके भी यहाँ पूछ लेना, रिश्तेदारों में कोई दोस्त मित्र होंगे पंजाब में, आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते होंगे कि आपके दोस्त का बेटा है या कोई और है जो जॉब भी करता है और ड्रग भी लेता है। ये हो ही नहीं सकता, या तो जॉब करेगा या ड्रग लेगा। जो जॉब करता है उसके पास तो टाइम ही नहीं होता, वो शाम को आएगा, वो अपने बच्चों के साथ खेल के खाना खा के सो जाएगा, अगले दिन काम पे जाना है। जब आपके पास जॉब नहीं है तब बुरी संगत वाले आसपास बैठे हैं। पंजाबी में कहावत है, वेला मन शैतान नहीं दकर, अगर आप फ्री रह गए तो कोई ना कोई शैतानी आएगी दिमाग में, और वो जो बुरी संगत वाले आसपास अवेलेबल रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि स्मगलरों को अपना ड्रग बेचने के लिए सामने कस्टमर ही ना मिले, फिर कहाँ बेचेंगे वो,
जड़ खत्म कर दीजिए उनकी। अगर आप यहां से पकड़ोगे वो वहां से ले आएंगे, वहां से पकड़ेंगे यहां से ले आएंगे। अगर उनके सामने कोई हो ही ना कि यार सारा पंजाब तो खेलों में चला गया, कुछ पुलिस में भर्ती होने के लिए ग्राउंड में जाते हैं, बेचे कहाँ। तो पंजाब के यूथ जो है वो खुद भी ये चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ करूं, इसीलिए पंजाब का यूथ जो है बाहर जा रहा है। हम आईलेट्स को डिग्री मानने लगे हैं, आईलेट्स एक छोटा सा टेस्ट है इंग्लिश का, लेकिन हम डिग्री मानते हैं उसको कि बेटे ने आईलेट्स कर लिया मतलब कनाडा चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, बस यहां से बच जाएगा। पेरेंट्स भी कहते हैं प्लस टू कर, 6.5 बैंड ले, 7 बैंड ले और चला जा। आपको ताज्जुब होगा जो मैट्रिमोनियल अखबारों में छपते ना पंजाब में, उसमें जिक्र किया जाता है 6.5 बैंड लड़के के लिए 7.5 बैंड लड़की चाहिए। मैंने कहा पहले रेडियो होते थे 2 बैंड 3 बैंड। तो हम इसलिए भाग रहे हैं यहां से क्योंकि हमें यहां पर अंधेरा नजर आ रहा था। अब हमने जॉब क्रिएशन की तरफ ध्यान दिया है, वही लड़के अब वापस भी आ रहे हैं, और जहां से जो जाने की तैयारी कर रहे थे बहुत से बच्चों ने अपना प्लान बदल दिया कि पंजाब में रहेंगे और पंजाब को ही दोबारा पंजाब बनाएंगे। गुरुओं पीरों की धरती है, गुरु नानक देव जी की धरती है, शहीदों की धरती है, और वो धरती ऐसी है जो भी उस वहाँ पे आया उसको बरकत ही होती है सर, घाटा नहीं किसी को होता, चाहे वो इंडस्ट्री में आ जाए चाहे वो किसी भी काम के लिए आ जाए पंजाब में। ये जो बातचीत है इसकी शुरुआत पहले होने वाली थी इस सवाल से जो अब आने वाला है, पर चूंकि ये जो खालिस्तान वाला जो वहाँ जुलूस निकला उसके इसलिए वहाँ ये बात इधर उधर चली गई। आपके 1 साल वहाँ पूरे हो रहे हैं, आपने जो वादे किए थे उनमें से कितने पूरे हो सके? वादे नहीं थे सर, हमारी गारंटियाँ थी। गारंटी थी बिल्कुल, हाँ, गारंटियाँ दी थी हमने। सबसे पहले हमने आते ही करप्शन के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया कि आप जाओगे दफ्तर में, कोई बाबू आपसे पैसे मांग रहा है मना मत करना, जेब से मोबाइल निकालना, फोटो खींच लेना या वीडियो बना देना, हमें भेज देना। फोन आने लगे, करप्ट अधिकारियों को मैसेज चला गया, वो जेल जाने लगे। बहुत बड़े बड़े मंत्री हमने पकड़े, अभी भी जेल में हैं, जो कांग्रेस के समय उन्होंने करप्शन की थी वो अंदर हो रहे हैं, हर रोज जा रहे हैं। आपको हैरानी होगी सुनकर, एक तो ऐसा है जिस पर केस हो गया कि करप्शन, वो इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा है, उस पर विजिलेंस ने कहा कि आप पर हम नजर रखे हुए हैं, आपको समन करेंगे। वो पहले ही विजिलेंस वाले किसी अफसर से बात करके उसको पैसे देने आ गया, तो उसने बोल दिया कि भाई मुझे पैसे देने आ रहा है। हमने पैसे समेत उसको पकड़ लिया। जब उसके घर की तलाशी ली, आपको हैरानी होगी जानकर कि उसके घर से 2 नोट गिनने वाली मशीनें मिली। सर क्या किसी आम घर में नोट गिनने वाली मशीन रखी जाती है? बैंक में तो सुना है, इसका मतलब उसका जो फैमिली है उसकी, उसने भी मना कर दिया गिनने से, इतने नोट आते होंगे कि हमसे नहीं गिने जाते, अपनी मशीन मंगवा लो उससे गिनते रहो। अब नोट गिनने वाली मशीनें घर पे रखे हुए हो, खुद जेल में रहते हो, वो कहते हैं ना कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। तो यहीं रह जाता सब कुछ सर, क्या आप नोट गिनने वाली मशीनें करेंगे करप्शन के खिलाफ। फिर हमने वादा किया था बिजली फ्री करेंगे, आज 87% पंजाबियों को बिजली का बिल 0 आता है सर, 0। हम बिजली पैदा कर रहे हैं सर, हमने 83% ज्यादा बिजली पैदा की पिछली बार के मुकाबले। हमने 2015 से झारखंड के पचवाड़ा में, हमारी कोल माइन थी पंजाब की, वो बंद पड़ी थी, बंद रखी गई थी, पड़ी नहीं थी, बंद रखी गई थी, इधर उधर से कमीशन लेके चलता था काम, हमने वो कोल माइन चलाई, 30 लाख मीट्रिक टन कोला उससे निकलेगा। हम कोल प्लस भी हैं, कोल सरप्लस भी हैं, बिजली सरप्लस भी हैं, तो हमने लोगों को बिजली फ्री कर दी। उसके बाद हमने वादा किया था कच्चे मुलाजमों को पक्का करेंगे, अब तक हमारा 14,000 से ज़्यादा पक्का हो चुका है। 14,000 की कैबिनेट में अभी हमने कैबिनेट में हम लेके आए हैं बिल, जो है वो पास हो चुका है। 28,000 के आसपास हम जो हमारे कच्चे मुलाजम थे पक्का कर देंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस थे। थोड़ा लीगल कई बार टाइम लग जाता है सर, कई मानियो हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट्स हैं जिनको रास्ते से क्लियर करना पड़ता है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को काम पे लगाएं और पंजाब जो है
वो तरक्की करे। एक जो बड़ी कोशिश हो रही है वो इन्वेस्टर समिट की है। हमने अभी देखा उत्तर प्रदेश में बड़ी इन्वेस्टर समिट हुई और योगी जी से पिछले हफ्ते मैंने बातचीत की और उन्होंने बताया कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है उसमें लैंड बैंक की होती है, यानी इन्वेस्टर तो आने को तैयार है पर आपके पास ज़मीन का पार्सल है कि नहीं, बीच बीच में अलग अलग लोगों की ज़मीनें हैं, मिल नहीं पाती। आप भी इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, आपने कोई लैंड बैंक बनाया है, उसके लिए किस तरह की तैयारी की आपने? देखिए दिबांग जी, जब इन्वेस्टमेंट समिट होता है ना, उसमें एक लफ्ज़ है MOU, वो बहुत बदनाम हो चुका है। MOU कर लेते हैं 25 लाख करोड़ के, आता कुछ नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है जब दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। पंजाब में भी इंडस्ट्री पहले आना चाहती थी, वापस गए हैं बहुत से, मेरे पास दोबारा आए हैं। और पंजाब में पहले जब इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे तो वो दो परिवारों के साथ MOU साइन करते थे, जो अभी आते हैं वो 3 करोड़ पंजाबियों के साथ MOU साइन करते हैं, बल्कि MOU नहीं, MODS, मेमोरेंडम ऑफ दिल से, जो इमोशनली जुड़ा हुआ है। वो पंजाब में जब आता है उसको लगता है यार मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। पहली सरकारों का क्या हाल था, मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा बताता हूँ। मेरे पास एक इंडस्ट्रियलिस्ट आए, 20 दिन पहले की बात है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं देश के, बोले जी इतने में पैसा इन्वेस्ट करूँगा, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट चाहिए। मैंने कहा जी सपोर्ट मिलेगी? नहीं सर, पहले दोनों गवर्नमेंट के पास हम आए थे, हमें सपोर्ट नहीं मिली, हमें सपोर्ट चाहिए। मैंने कहा जी सपोर्ट देंगे? कहते सर प्लीज़ हमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट चाहिए। मैंने कहा सपोर्ट पे इतना क्यों ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जी? ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांगेंगे? बिजली का टैरिफ कम कर दो, CLU में हमें छूट दे दो, ज़मीन लैंड बैंक में से ज़मीन सस्ती दे दो। उन्होंने कहा जी, मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड? उन्होंने कहा जी सरकार की तरफ से ये सपोर्ट चाहिए, हमें तंग मत करना जी, ये सपोर्ट चाहिए। सरकारें तंग करने के लिए बनती हैं क्या? जो इंडस्ट्रियलिस्ट है लाल रंग की थैलियों में पैसा डाल के इलेक्शन के समय इस पॉलिटिकल पार्टी के पास जाता है, वो इसलिए नहीं जाता कि उसका मैनिफेस्टो उसको पसंद है या आइडियोलॉजी पसंद है, वो दूसरी पार्टी के पास भी वही थैले लेके जाता है। क्या कहने जाता है? ये तुम ले लो जी, ये तुम ले लो जी, दोनों की सरकार किसी की भी आ जाए हमें तंग मत करना। मतलब हम इंडस्ट्रियलिस्ट को काम ही नहीं करने देते, फिर कहते हैं हम देश को दुनिया का नंबर वन बनाएंगे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे सर? तो करदाता है वो, रोजगार दे रहा है, उसको चोर समझ रहे हैं हम। तो हमने व्यापारियों को कहा आइए काम करिए, CLU ये वो, हमने एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया निकाला है। पंजाब ने पहले ही स्टेट होगा पंजाब जी, 15 दिन में कर देंगे लागू सर। हम स्टैम्प पेपर्स की कलर कोडिंग कर रहे हैं। आपने इंडस्ट्री लगानी है, आपने जमीन खरीदी फरीदकोट के पास, मोगा के पास, बरनाला के पास, आपको ग्रीन कलर का स्टैम्प पेपर मिलेगा, उसमें CLU, फायर, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फॉरेस्ट, सब NOCs उसमें इंक्लूडेड होंगी। वो महंगा होगा दूसरे से, और आपका जिस दिन तहसीलदार ने साइन कर दिए रजिस्ट्री हो गई, उसी दिन से आप भूमि पूजन करके अपना फैक्ट्री बना सकते हो, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। साल बाद आपके पास कोई आए कि आपकी कागज दिखाओ, आपने सिर्फ ग्रीन कलर का स्टैम्प पेपर दिखाना है। ग्रीन कलर स्टैम्प पेपर मीन्स यू हैव एवरीथिंग, यू हैव एवरी काइंड ऑफ NOC। ऐसे हम हाउसिंग में करेंगे, ऐसे हम बाकियों में करेंगे, जो करप्शन बंद हो जाएगी सर जी। एक मुद्दा है जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना और हिमाचल के चुनाव में बना, चुनाव दर चुनाव ये मुद्दा बनता जा रहा है, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम का। आपने भी वादा किया हुआ है। हमने कैबिनेट में कर दिया। उसमें क्या कोई मुश्किल आती है? मैं बता रहा हूँ। देखिए OPS क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम। सरकारी मुलाजिमों का GPF EPF कटता था, पहले भी करता, मेरे पिताजी भी टीचर रहे हैं, उनका भी जब रिटायर हुए तो पेंशन शुरू हुई, वो OPS में आते हैं। अब NPS में क्या किया कि आपका पैसा तो कट रहा है लेकिन वो जमा नहीं हो रहा, उसको शेयर मार्केट में लगा रही है गवर्नमेंट। किसको पूछ के लगा रहे हैं जी? ये हो रहा है कि शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, वो शेयर गिर गए और बैंक डूब गया, तो बैंक को कोई घाटा नहीं,
गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं भाई, उनका जो पेंशन वाले थे उनको बोल दो आपका पैसा यहां लगाया था वो बैंक भाग गया भाई, आपको पेंशन 1600 रुपए मिले। अब 30 साल गवर्नमेंट की नौकरी करके आपको 2000 रुपए पेंशन मिले तो ये कहां का इंसाफ है? गवर्नमेंट लोगों का पैसा क्यों लगा रही है शेयर मार्केट में? शेयर मार्केट कैसे गिरती है आपको देखा ही है, जो अभी हुआ है घटना शेयर मार्केट वाली, उसका लाखों मुलाजिमों पर असर पड़ेगा, क्योंकि SBI जो बैंक हमारी सरकारी है उनका पैसा वहां पर लगा दिया था। तो मैं कहता हूं ये स्टेट वाइज क्यों करवा रहे हैं हमसे कि हम OPS हमारी स्टेट में लागू करेंगे जी, वो कह रहे हैं जी जो आपका पैसा अब तक आ गया हम नहीं देंगे जी। सेंटर इस काम के लिए बनाया क्या कि हमारे पैसे रोक लो? GST के पैसे नहीं देते हमें, RDF का पैसा हमारा पड़ा है, और तो और मतलब आप, मैं मुझे पता नहीं कौन कौन इनके सलाहकार हैं, हम महानदी कोल माइन उड़ीसा में वहां से कोल लेते हैं जी, ये ध्यान से सुनने वाली बात है देवांग जी, वहां से कोल लेते हैं, महानदी कोल माइन है उड़ीसा में। अभी नया ऑर्डर जारी होगा, हो गया, किसी का हुक्म है कि ऐसे करना पड़ेगा, तो किसी का हुक्म आया है कि आप इसको रेल के जरिए पंजाब नहीं लेके जा सकते, इसको पहले प्रदीपपुरी बंदरगाह पे लेके जाओ, वहां से शिप में लोड करो, श्रीलंका के ऊपर से आके मुंद्रा एयरपोर्ट पे उतारो, वहां लोड करो, वहां से ट्रेन से लेके आओ। मुझे ये बता दीजिए देवांग जी, अगर उड़ीसा से पंजाब आना है तो बाया श्रीलंका आना पड़ता है क्या? लेकिन हमारे साथ हो रहा है जी, ये 2 रुपए पर यूनिट कोल हमें महंगा मिलेगा। क्यों मिलेगा जी? वो कह रहे हैं हमारे पास ट्रेन के रैक नहीं है। अरे भाई ट्रेन के रैक फिर मुंद्रा से कैसे हैं? वहां भी तो ट्रेन ही आएगी, लेकिन वो किसी के पोर्ट से निकालना है, वहां से टैक्स उनको देना है। तो मतलब ये कौन से, मुझे पता नहीं कि सेंटर जो है जो हमारे साथ क्यों ऐसा करता है। और हमारे राज्यपाल साहब, चलो LG तो फिर भी उन्होंने पास कर दिया बिल के, LG मीन्स गवर्नमेंट। अरे हमारी पंजाब तो फुल स्टेट है, हमारे राज्यपाल साहब हमें कहते रहते हैं कि जी आपको बजट सेशन चलाने की इजाजत नहीं देंगे। अरे भाई साहब इलेक्टेड चलाएंगे या सिलेक्टेड चलाएंगे? चलिए ये तो राजनीति की बात है, ये तो मैं क्या करता हूँ, राजनीति वाली है, राजनीति की बात है। जब मैं पिछली बार मिला तब आप मुख्यमंत्री नहीं थे जी, और पिछली बार जब मिला तब आप सिंगल थे। अब ये बताइए कि घर में गृह मंत्रालय की ज्यादा चलती है कि वित्त मंत्रालय की ज्यादा चलती है? घर पे घर पे तो देखो सोचने लग गए घर की बात पर। बता क्या, ये देखो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि मतलब आदमी जितने मर्जी बड़े पद पर चला जाए, वो कहते हैं ना दुनिया में सबसे, किसी ने सवाल पूछा दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या है, किसी ने कहा AK-47, किसी ने कहा जी एटम बॉम्ब, सही जवाब था पत्नी की आँख का आंसू सबसे खतरनाक है। थोड़ा सा भी आ गया जितना मर्जी बड़ा आदमी हो भाई सब पिघल जाता है। तो मैंने भी घर जाना है देवांग जी, आपने भी घर जाना है, छोड़िए इन बातों को। जब ऐसा बैठे हुए हैं बहुत ध्यान से आपकी बात सुन रहे हैं। अच्छा आखिर में जब हम पहले मिले थे पहली बार तो आप दो दो तीन तीन लाइनें शेर सुनाया करते थे, तो ख़त्म करने से पहले आप अगर 2 लाइन कोई सुना दें जो अभी भी आप। तब जावेद साहब भी राज्यसभा में थे, हम सेंट्रल हॉल में बैठे रहते थे, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था, क्योंकि ये बोलते हैं जब तो लफ्ज़ों में बहुत असर होता है। तो लोकसभा में मेरे साथ ऐसे होता था क्योंकि टाइम हमारे पास 1 मिनट होता था, 1 मिनट में क्या बोलोगे आप, या तो फिर आप शेरो शायरी में कुछ बहुत बड़ी बातें बोल सकते हो 4 लाइनों में। तो ये जो NRC पे डिबेट चल रही थी, बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे थे 1-1 घंटे के, ये समाज ये समाज ये समाज। मैंने कहा जी मुझे भी टाइम चाहिए, कहते जी नहीं अब टाइम नहीं मिल सकता, बहुत हो गया, बिल पास करना है। मैंने कहा जी पार्टी का एक ही हूँ मैं, अकेले ही हूँ, तो थोड़ा टाइम तो दे दो ना, मेरी पार्टी की हाजिरी तो लगेगी। मैंने कहा 30 सेकंड दे दो। स्पीकर साहब कहे 30 सेकंड में क्या करोगे तुम? मैंने कहा जो 1 घंटे में नहीं किया मैं 30 सेकंड में कर दूंगा। कहते चलो आपका समय शुरू होता है अब। मैंने कहा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए,
कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। और आपसे दोबारा मिलने की इच्छा लेकर एक मैं जाते जाते ये कह रहा हूं, जावेद साहब बैठे इनके सामने, शेर सुनाना तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है कि लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। वाह, थैंक यू सर। बढ़िया मुकुंद मान, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी सवालों के सीधे जवाब दिए। आपका पहले ही साल हुआ है, आपसे दोबारा सवाल होंगे और तीखे सवाल होंगे अगली बार। थैंक यू वेरी मच।